In our state, transgender board is there, but the main problem is that जब हम बैंक में एंट्री ले रहे थे और आई हैव सम क्वेरीज जो मुझे मैनेजर से ही पूछना था, मुझे इसीलिए लाइन पे नहीं जाना था, तो मैं मैनेजर से बात कर कर निकल जाती क्योंकि मेरा भी ऑफिस था और उस समय मुझे वहाँ पे अटकाया गया। वो सिक्योरिटी मेरे हाथ पकड़ लिया और इतना मिसबिहेव किया जो मैं ऊपर जब जाने की कोशिश किया तब जाकर वो लोग ने अपना कोलेप्सिबल लगा दिया। और मेरे साथ मेरे और एक बंदे थे जो मेरा ही कम्युनिटी से है, उसको और भी गाली वो लोग बोलने लगे। और जब मैं सिक्योरिटी को अंदर से भी बोला आप लोग दरवाजा खोलिए, तो बहुत बोलने के बाद चिल्लाने के बाद वो कोलैप्सिबल गेट खोला गया। और उसके बाद जो स्टाफ आए वो तो तू 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 करके बात कर रहा था और उससे भी बोल रहा था जो नहीं आपको एंट्री नहीं देना है, जबकि वहाँ का मैं कस्टमर हूँ, मेरा बैंक अकाउंट भी वहाँ का है। नॉट ओनली दैट, मेरा एसोसिएशन जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी वहाँ पे बैंक अकाउंट है। और मैं इसी एरिया पे मैं छोटे से बड़े हुई हूँ, मेरा माँ बाप फैमिली सबका अकाउंट वहाँ पर था। और मुझे इतना खराब लगा उसका बोलने का जो तरीका था, उसका बॉडी लैंग्वेज जो था, वो लग रहा था जैसे कुछ ह्यूमिलेशन हमारे ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एलिगेशन भी था आप लोग ऐसे मत यहाँ पे आया करो। तो उसके बाद मैंने जब मैनेजर से बोला और मैनेजर को जब ये बात इंटरवेन किया, मैनेजर ने बहुत ही अच्छा तरह से इसको देखा क्योंकि उसने बोला जो नहीं ये बात अन्याय है। पर मैनेजर भी कोई जगह से उसको लग रहा था जो उसका स्टाफ को वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो मैं मेरे बार बार एक ही बात था जो आपको स्टाफ को बोला अपोलोजाइज विथ एक मुझे लिखित देना है। तो तुरंत मैं जब बोला तो वो स्टाफ ने अपोलोजाइज नहीं किया। मैंने फिर पुलिस स्टेशन में लोकल पीएस में मैंने डायरी किया एंड आफ्टर दैट मैंने मैनेजर को भी एक चिट्ठी दिया क्योंकि मुझे लग रहा था जो 24 घंटा उन्हें मौका दिया जाए, और अभी कुछ देर के अंदर वो 24 घंटा खत्म भी हो रहा है। मैं दिन में भी एक बार गया था, सुबह भी मैं अपने कम्युनिटी के साथ वहाँ पे बैठी भी थी। वो लोग ने बार बार मुझे बोला है मैं हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, पर मुझे लिखित रूप में मतलब माफ़ी चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा था यदि स्टेट में बैठकर एज अ ट्रांसजेंडर बोर्ड का मैं मेंबर हूँ, नेशनल ट्रांसजेंडर बोर्ड का भी मैं मेंबर हूँ, मुझे यदि इतना हटकर यदि अपने राज्य में मुझे बात करना पड़े तब मेरे जैसा जो लोग रास्ते पे खड़े होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो लोग हैं उनका क्या हालत होगा। क्योंकि यहाँ से सरकार बोल रहे हैं अभी सबको अकाउंट खोलने का मौका मिलेगा, जबकि मुझे मेरे जैसा इंसान को घुसाया ही नहीं जा रहा है बैंक में, अंदर घुसने का ही जब। तो ये प्रोविजंस के लिए ये बात मैंने सामने लेकर आया।